में अब सभी चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और ऐसे में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए एक मार्च निकाला है। इस दौरान हमारे संवाददाता ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के साथ खास बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और कांग्रेस ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया है महिलाओं को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ढेर सारी बधाई और शुभकामना व्यक्त करता हूँ और उम्मीद है कि जो नारा आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसको चरितार्थ करने का प्रयास किया है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ चुनावी नारा है और चुनाव खत्म होने के बाद ऐसा भव्य कार्यक्रम क्या मकसद रहा है? देखिए, ये चुनावी नारा नहीं, सामाजिक नारा है। किसी को भागीदारी देना, उसको आगे बढ़ाना, उसको सकारात्मक सोच उत्पन्न कराना, उनकी रक्षा के लिए सत्ता की भागीदारी दिलाना, ये चुनावी नारा नहीं हो सकता, ये तो सामाजिक नारा है। पोल हिसाब से आया है, उसमें भाजपा को बहुमत मिल रही, पूरी जीत मिल रही, उसमें क्या कहेंगे? ये तो एग्जिट पोल फर्जीवाड़ा है, अभी आने दीजिए। 10 तारीख का बिल्कुल इंतजार करिए, थोड़ा 2 दिन और धैर्य रखिए। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि जो कल एग्जिट पोल आया था उसको भी आज अजय कुमार लल्लू ने बताया है कि जो 10 तारीख का इंतजार है और भाजपा कांग्रेस कई सीटें निकालेगी और यहाँ पर 1090 चौराहे पे जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है, थोड़ी देर में यहाँ प्रियंका गांधी पहुँचेंगी और इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगी। इंडिया न्यूज़ से मैं सुरेश कुमार, लखनऊ।